हेलो बेटा, तो आज के जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, कौन सा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। जैसा कि जो प्रीवियस जो पार्ट था, पार्ट 11th था शायद करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसके अंदर हमने पढ़ा था किरचॉफ्स करंट लॉ, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, उसको एक चीज़ बोलते हैं KCL। क्या बोलते हैं उसको? KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। लेकिन जो आज का टॉपिक है, यानी कि आज का जो पार्ट 12th है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? उसके अंदर हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये बोलता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक सर्किट है, और सर्किट मेरा कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड सर्किट होनी चाहिए, ठीक है। तो क्लोज सर्किट के अंदर हम क्या करेंगे? क्लोज सर्किट के अंदर जो कंप्लीट जो वोल्टेज होगा उसका थ्रू आउट द सर्किट, वो क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा, जीरो होगा। उसको किस तरीके से समझाएंगे? देखो, इस तरीके से समझाऊंगा मैं इसको, इस तरीके से बोलूंगा, यानी कि इसको अगर मैं ऐसा बोलूँ किरचॉफ्स लॉ को, मैं किस तरीके से बोलूँगा? इन्हें लूप लूप भी कौन सा होना चाहिए? क्लोज लूप, यानी कि इन ए क्लोज लूप फॉर ए कंप्लीट रिवोल्यूशन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो। अब ये तो मैंने बोल दिया लाइन, ठीक है, थियोरेटिकल। अब इसको समझेंगे किस तरीके से, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कोश ये जो पार्ट है, आज का जो सेशन है, थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। कंटेंट अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना इसको, ठीक है। देखो, इस तरीके से अगर हमारे पास कोई भी सर्किट गिवन है, ठीक है, ये सर्किट मेरे पास गिवन है इस तरीके से, ये मेरे पास गिवन है EMF E1, और ये क्या है? E2 गिवन है। ये R1 ये क्या कहते हैं इसको, रेजिस्टेंस है, और ये क्या है? R2 रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इस वाले केस के अंदर हमें क्या करना है ना, जब हम अगर इसके अंदर ए पॉइंट मैंने मान लो ये मान लिया, ये हायर पोटेंशियल के ऊपर पॉइंट है ए, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर? ए पॉइंट से घूमेंगे, चाहे आप लोग इस तरीके से घूमो, ठीक है, क्लॉकवाइज घूमो, या फिर आप लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन डायरेक्शन एक ही रखनी है, क्या तो क्लॉकवाइज घूमना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। अब जैसे कि ये तो सिंगल लूप है एक तरीके से, अगर हमारे पास मान लो मल्टीपल लूप आ जाए जिसके अंदर इस तरीके से, अगर मान लो ये क्वेश्चन इस तरीके से गिवन होता, तो इसके अंदर आप लोग क्या कहते हैं इसको, क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, किसी भी तरीके से घूम सकते हो, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग टीचर बता देते हैं कि इसको क्लॉकवाइज ही घूमना होता है दोनों लूप के अंदर, दोनों लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना होता है, हम दोनों लूप के अंदर अलग अलग डायरेक्शन नहीं घूम सकते, वो इसके इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो पॉइंट हम लेके चल रहे हैं, जिस पॉइंट के ऊपर हमारे हैं, उस पॉइंट तक हमारी जो सारी की सारी जो टर्म्स लिखे हैं वो सही तरीके से लिखी होनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ए पॉइंट से स्टार्ट करते हुए तो अब देखो इस वाले केस में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें करंट कंसिडर करना है कि करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है। मैं जैसे कि वो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप किस तरीके से ले सकते हो। मैंने क्या मान लिया, जो मेरा करंट है, यानी कि जो E1 बैटरी है, E1 जो सेल है, वो ग्रेटर देन है E2 से, ठीक है। अब E1 ज़्यादा बड़ा है E2 से, तो जो करंट होगा, करंट कौन सा डोमिनेंट करेगा? E1 वाला। मान लेते हैं ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो एक तरीके से किसकी ताकत ज़्यादा है? 20 वोल्ट की ज़्यादा है, और 10 वोल्ट की क्या है? कम है। तो 10 20 वोल्ट से जो करंट लगेगा वो ही हम कंसिडर करेंगे थ्रू आउट द लूप। तो इस तरीके से मैंने क्या मान लिया, ये एक तरीके से मैंने कंसिडर किया कि जो E1 है वो बड़ा है E2 से। तो जब E1 बड़ा है E2 से, तो उस वाले केस के अंदर जो करंट निकलेगा वो किस डायरेक्शन में निकलेगा? E1 से निकलेगा, लेकिन किस टर्मिनल से निकलेगा? पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, यानी कि I, इस तरीके से करंट निकला है, यानी कि जो करंट है मेरा इस तरीके से फ्लो कर रहा है, सारे के सारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं लूप को किस तरीके से लूँ। जैसे कि ये इस तरीके से मैं नेम लिख देता हूँ, ए बी सी डी। अब ये डिपेंड, अब मैंने क्या बोला कि मेरे को ए पॉइंट से घूम के वापस ए पॉइंट के ऊपर आना है, तो वो मेरे को डिपेंड करता है कि मैं ए बी सी डी ए लूँ, या फिर मैं ऐसे भी ले सकता हूँ ए डी सी बी ए ले सकता हूँ, वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर ले सकता हूँ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मैंने क्या मान लिया, क्लॉकवाइज मान लिया, आपको समझाने के लिए। क्लॉकवाइज यानी कि इस तरीके से, ठीक है, क्लॉकवाइज ले लिया मैंने, यानी कि ए बी सी डी
यानी कि ए से चला और वापस किसके ऊपर आ गया, ए के ऊपर आ गया। तो इनिशियल पोटेंशियल यानी कि जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा वो वाला पोटेंशियल और वापस जिसके ऊपर आऊँगा वो वाला पोटेंशियल आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी कि वी ए मैं किधर से चलाऊँ, ए से बी की साइड जाऊँगा, यानी कि ए ए के पोटेंशियल कितना है, वी ए। ठीक है, अब देखो करंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, और ये जो ई वन है, ई वन जो डायरेक्शन मैंने ली है किधर से किधर लिया, ए से बी लिया है ना, तो ए से बी मैं जब चलूंगा तो ई वन को मैं किधर की साइड जाऊंगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा, तो ई वन क्या होगा एक तरीके से माइनस का होगा, यानी कि माइनस ऑफ ई वन। अब ये किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो ये मेरी गलती नहीं है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी है। ठीक है, सर्किट थ्योरी के ऊपर। तो इस वाले केस में देखो क्या हो रहा है, माइनस ऑफ ई वन। उसके बाद देखो करंट मेरा फ्लो कर रहा है बी से ए की तरफ। जब मेरा बी से ए की तरफ जब करंट फ्लो करता है तो करंट के बारे में आपको पता है करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है, बी किसके ऊपर है, हाई पोटेंशियल के ऊपर है करंट के लिए। रियल के अंदर मैं पोटेंशियल लेके चल रहा हूँ ए के ऊपर, लेकिन करंट जो मेरा फ्लो कर रहा है वो बी से ए फ्लो कर रहा है, यानी कि करंट हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो केवल और केवल करंट के लिए बी पोटेंशियल हाई, बी पॉइंट हाई पोटेंशियल के ऊपर है और ए पॉइंट मेरा किसके ऊपर है, लो पोटेंशियल के ऊपर है। यानी कि करंट मेरा फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, मैं इसको अलग पेन से शो कर देता हूँ, यानी कि जो मेरा करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है, लेकिन मेरे को डायरेक्शन किस में लेनी है, ए से बी लेनी है। तो मैं करंट के ऊपर क्या करूँगा, करंट की डायरेक्शन इस तरीके से लूँगा। तो जब इस तरीके से लूँगा तो मेरा जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो अब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस तो लगा हुआ ही नहीं है, अगर मान लो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ होता तो मैं इसको क्या लेता, प्लस का आई आर लेता, प्लस का क्या लेता, आई आर लेता। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है तो हम इसको छोड़ देंगे, इसके ऊपर कोई भी हम एडिशनल कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ए से लेके बी के बीच में वो कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब करंट, जब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता तो रेजिस्टेंस जब नहीं होगा तो उस वाले केस के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, अभी देखो अब जो रेजिस्टेंस है वो किस वाले पॉइंट के ऊपर है, रेजिस्टेंस है बी से लेके सी में, और जो मेरा करंट फ्लो कर रहा है, करंट मेरा फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, देखो करंट मेरा इस तरीके से फ्लो कर रहा है, यानी कि करंट मेरा फ्लो कर रहा है सी से बी की तरफ फ्लो कर रहा है। जब सी से बी की तरफ फ्लो कर रहा है तो सी वाला पोटेंशियल किसके ऊपर है, हाई पोटेंशियल के ऊपर, यानी कि सी पॉजिटिव है और बी क्या है, नेगेटिव। ठीक है, अब बी नेगेटिव हो गया, लेकिन मेरे को डायरेक्शन किस में चलनी है, मेरे को चलना है बी से सी चलना है। जब मैं बी से सी चलूंगा तो करंट मैं किधर से किधर मूव कर रहा हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पोटेंशियल मेरा क्या आएगा, प्लस का आएगा, प्लस का कितना आएगा, प्लस आई आर वन। अब जिस बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा हो ना तो वो करंट थ्योरी वाला पार्ट मेरा देख लेना, सर्किट थ्योरी वाला पार्ट देख लेना, सर्किट थ्योरी वाला और सर्किट थ्योरी से एक पार्ट पहले वाला, उसको समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरीके से साइन लिए हैं। ठीक है, अब बी से सी भी हो गया मेरा, अब मेरे को कहाँ से कहाँ जाना है, सी से डी जाना है। जब मैं सी से डी जाऊँगा तो ये जो ई टू है, ई टू को किधर से किधर मूव कर रहा हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ई टू कैसे आ जाएगा, पॉजिटिव का ई टू। ठीक है, अब डी से ए मूव करना है, डी से ए मूव करूंगा तो ए हाई पोटेंशियल के ऊपर, डी लो पोटेंशियल के ऊपर, लेकिन मेरे को डी से ए जाना है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना है। जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब मैं जाऊंगा तो क्या होगा, आई आर टू, यानी कि प्लस का आई आर टू हो जाएगा, ये प्लस का आई आर टू। अब मैं किधर आ गया, ए पोटेंशियल के ऊपर आ गया, यानी कि इज इक्वल टू जहाँ पे मैं गया वहाँ पे वापस आ गया, यानी कि वी ए इज इक्वल टू वी आ गया। तो वी ए से वी ए कैंसिल हो जाएगा, जब VA से VA कैंसिल हो जाएगा तो इसको, इस इक्वेशन को मैं किस तरीके से ले सकता हूँ, E2 माइनस E1, ठीक है, प्लस I R1 R2 इज इक्वल टू जीरो। यानी कि इस वाले केस में हमें ये देखने को मिला, इसमें सिर्फ EMF है, ये EMF है, ये करंट है और ये रेजिस्टेंस है, लेकिन रियल के अंदर इसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, यानी कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस ए से लेके ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, जीरो हुआ। ठीक है, तो जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ होती है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलती है, क्या बोलती है कि अगर पूरे एक लूप के अंदर, लूप कौन सा होना चाहिए, क्लोज लूप होना चाहिए, ओपन लूप नहीं होना चाहिए, यानी कि पूरे एक लूप में अगर हम घूमते हैं आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज, तो जो नेट पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, नेट पोटेंशियल जीरो होगा। अभी देखो अगर मैं किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं लेके घूमता हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ, जीरो हुआ।
यानी कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए वो ए से चला और वापस ए के ऊपर आ गया, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था उसके लिए? जीरो था। जब पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए जीरो हो गया, तो आप लोगों को पता है, ट्वेल्थ वालों को स्पेशली ये पता है कि पोटेंशियल अपॉन चार्ज ये क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो रियल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो हुआ, साथ में क्या चीज़ जीरो हुई है? पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हुई है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है? पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड नहीं करती पाथ के ऊपर, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है इनिशियल पाथ कौन सा था एंड फाइनल पाथ, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। इनिशियल पाथ कौन सा था? इनिशियल पोटेंशियल कौन सा था? वी ए। फाइनल पोटेंशियल मेरा कितना था? वी ए। वापिस वी ए के ऊपर आ गया, तो वी ए माइनस वी ए कितना हो गया? जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी भी मेरी क्या रही? पोटेंशियल एनर्जी मेरी चेंज नहीं हुई, वो कंजर्व रही, यानी कि जितनी थी सर्किट के अंदर उतनी ही वो रही एक तरीके से, ठीक है। यानी कि इसका मतलब हमने क्या सीखा KVL के अंदर? इन ए लूप फॉर ए कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक लूप के अंदर वो लूप क्लोज होना चाहिए कंप्लीट रिवोल्यूशन, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो, ठीक है। यानी कि फॉर ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए कंप्लीट जो क्लोज लूप होगा, ठीक है, फॉर ए कंप्लीट क्लोज लूप, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर उसको हम एक कंप्लीट क्लोज लूप के अंदर घुमा रहे हैं, तो उसकी जो चेंज इन एनर्जी होगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी, वो कितनी होगी? जीरो होगी, ठीक है। जिसकी वजह से जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जब चेंज ही नहीं हुई, हमने कंप्लीट पाथ घूम भी लिया और वापस उसी पॉइंट के ऊपर आ गए जिस पॉइंट के ऊपर हमने स्टार्ट किया था, तो जब पोटेंशियल एनर्जी चेंज ही नहीं हो रही, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रही? कंजर्व रही ना, बची की बची रही। जैसे कि मान लो मेरे पास 10 रुपये थे, मैं घूम के बाजार में मार्केट से होके घर पे भी आ गया, ठीक है, और वो मेरे 10 के 10 रुपये रहे, यानी कि उसके अंदर क्या डिपेंड किया? कि मैं मार्केट के अंदर होके तो आ गया, लेकिन जो मेरे रुपए हैं वो उतने ही रहे जितने पहले थे, तो मेरे जो रुपए हैं वो खर्च नहीं हुए, यानी कि बचे रहे। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी क्या रही? वो कंजर्व रही, जिसकी वजह से ये जो किसके ऊपर बेस्ड होता है, ये KVL जो बेस्ड होता है वो होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर क्या लग रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स लगता है। कंजर्वेटिव फोर्स भी क्यों लगा? क्योंकि अगर मान लो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो हमने ये पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है एक तरीके से। अगर मैं बात करता हूँ पोटेंशियल की, तो क्या होता है? पोटेंशियल एक तरीके का फोर्स ही तो होता है, जो कब लगता है? जब वर्क करता है। कौन वर्क करता है? बैटरी वर्क करती है। व्हेन ए बैटरी वर्क्स फ्रॉम टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, हमने यही तो पढ़ा था भाई, जो EMF हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में हमने यही तो पढ़ा था। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इट इज़ द वर्क डन बाय द बैटरी फ्रॉम मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इज कॉल्ड EMF, यानी कि EMF के ऊपर डिपेंड करता है। तो EMF एक तरीके से क्या होता है? ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है जो वर्क डन करता है क्लोज लूप के अंदर, ठीक है। और वो जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? जीरो होती है। और जो अब देखो, क्योंकि एक बात बताओ मेरे को, इनिशियल पॉइंट भी सेम है और फाइनल पॉइंट भी सेम है, जर्नल तौर के ऊपर इसको समझते हैं। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जब सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो गया? जीरो हो गया। तो मैंने चाहे फोर्स कितना भी लगाया हो, तो वर्क भी मेरा कितना हो गया? वर्क जब जीरो हो गया, तो मेरी एनर्जी भी क्या रही? जीरो रही। यानी कि एनर्जी मेरी खर्च ही नहीं हुई। जब मैंने वर्क ही नहीं किया, तो मेरी एनर्जी भी खर्च नहीं हुई। जब एनर्जी मेरी खर्च नहीं हुई, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या रही? कंजर्व रही। यानी कि जितनी थी उतनी मेरी पोटेंशियल एनर्जी रही, ठीक है। चीज आ गई समझ में? तो अब देखो क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर। ये तो मैंने केवल एक ही लूप लेके दिखाया था आपको। अगर मैं अलग अलग लूप लेता हूं, तो उस वाले केस के अंदर देखो, मैं एक लूप लेके दिखा देता हूं आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर ब्रांचेज मैंने ले ली इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये E2 है, ये E1 है, और यहाँ पे भी लगा हुआ है एक, ये क्या है? E3 है। अच्छे से समझना, आराम आराम से समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस R4 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, और ये रेजिस्टेंस R3 है। चार रेजिस्टेंस है इसके अंदर, ठीक है। नेम मैं लिख देता हूँ इसको, A B C D
ETF, ये नाम मैंने लिख दिए। अब इसके अंदर डिपेंड करता है आप लोग, जैसे कि इस वाले, अब इसके अंदर देखो कितने लूप बन रहे हैं, ये पहला लूप तो ये बन गया, दूसरा लूप ये बन गया। अब देखो होता क्या है ना, अलग अलग टीचर होते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि ए बी सी डी लूप के अंदर, यानी कि पहले लूप के अंदर अगर हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो दूसरे लूप के अंदर भी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये बात तो है ठीक। कुछ और क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि पहले लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो दूसरे लूप के अंदर भी हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, ये बात भी है ठीक। लेकिन जो टीचर होते हैं वो तीसरा पॉइंट नहीं बताते, हालांकि तीसरा पॉइंट भी ज़्यादातर यूज़ नहीं करते टीचर। वो क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि बच्चा उसके अंदर कन्फ्यूज ना हो जाए। तो तीसरा पॉइंट भी हम अप्लाई कर सकते हैं, अगर पहले लूप के अंदर हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और दूसरे लूप के अंदर हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, गलत नहीं होगा। तो दूसरे जो तीसरा पॉइंट है वो ज़्यादा टीचर क्यों नहीं बताते, इसलिए नहीं बताते कि बच्चे कन्फ्यूज ना हो जाए कि अभी पहले के अंदर एंटी क्लॉकवाइज दूसरे के अंदर क्लॉकवाइज, इस तरीके से अगर मिसकंसेप्शन रहेगा तो बच्चे कन्फ्यूज ना हो जाए। तो इस वजह से ज़्यादातर टीचर दो रूल ही बताते हैं, अगर पहले दूसरे में क्लॉकवाइज या पहले दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस वाले केस में देखो हम क्या करेंगे, मैं इस वाले लूप के अंदर कंसीडर कर रहा हूँ ए बी सी डी ए। अब ए बी सी डी ए अगर मैं कंसीडर करूँगा तो मेरे को जो, अब देखो इसके अंदर तीन बैटरी है, तो ये जो बैटरी है मैं मान रहा हूँ E1, E2, E3 ये अलग अलग तरीके से कनेक्टेड है। तो मैंने क्या मान लिया भाई, कोई भी एक करंट आ रहा है किसी भी एक बैटरी में से, ठीक है। मैंने क्या माना कि जो E3 है ये जो करंट छोड़ रहा है वो I3 छोड़ रहा है, ठीक है। और E2 है वो उसके अंदर जो करंट आ रहा है वो, क्योंकि ये देखो ये जंक्शन पॉइंट बन गया ना, तो जंक्शन पॉइंट जब E3 इधर आएगा, मान लो E3 इधर की साइड आ रहा है, I3 इधर की साइड करंट आ गया, जब I3 इधर की साइड आया तो वो इसमें भी जाएगा, इसमें कितना जाएगा I2 जा रहा है, और इसमें कितना जा रहा है I1 जा रहा है करंट। भाई ये बात समझ में आ रही है ना, जब ये एक जंक्शन पॉइंट बन गया, जो ए पॉइंट है वो जंक्शन पॉइंट बन गया, तो जितना करंट आ रहा है टोटल करंट कितना आ रहा है I3 आ रहा है, और वापस कितना जा रहा है दोनों अलग अलग ब्रांचेज में I2 और I1 जा रहा है, ठीक है। तो I3 किसके बराबर है, I3 इक्वल है I1 प्लस I2, इन दोनों के इक्वल है। टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो इस वाले केस में हम किस तरीके से लगाएंगे, देखो किरचॉस वोल्टेज लॉ KVL मैंने कंसिडर किया, मेरा जो लूप है वो है ABCDA के अंदर, ठीक है। यानी कि मैंने किस तरीके से घुमा ABCDA, मैंने इस तरीके से घुमा, इस तरीके से, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है मेरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी लेना चाहो। स्टार्टिंग पॉइंट ए यानी कि VA, ठीक है। अभी देखो मेरा जो करंट है वो किधर से किधर जा रहा है, ए से बी जा रहा है तो छोड़ दो, अब बी से सी की तरफ जा रहा है, जब बी से सी की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, और मेरे जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है यानी कि KVL के लिए वो भी सेम है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि माइनस ऑफ I2 और रेजिस्टेंस कितना है R4, ये I2 है भाई, ठीक है। इसको ठीक से लिख देता हूँ मैं, दोबारा समझ लो। अभी इस वाले केस के अंदर बच्चों को उनको प्रॉब्लम आ रही है जो शुरू से वीडियो नहीं देख के आए, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ पीछे जो वीडियो देख के आओ उसके बाद ये समझना, ठीक है। अभी देखो इसी डायरेक्शन के अंदर मेरे को जाना है, इसी डायरेक्शन में जाना है, तो बैटरी भी मेरी क्या होगी पॉजिटिव यानी कि प्लस की E2। अब इस तरीके से आ गए, अब देखो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो कर रहा है तो ये भी पॉजिटिव प्लस का E1, ठीक है। अभी इस वाली ब्रांच के अंदर डी से ए जाना है, डी से ए के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है I1 फ्लो कर रहा है, लेकिन I1 जो फ्लो कर रहा है वो ए से डी कर रहा है यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव कर रहा है, लेकिन मेरे को किधर जाना है डी से ए यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव, जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा तो जो IR हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा, यानी कि प्लस का I1 और R1। वापस किसके ऊपर आ गया, वापस मैं ए के ऊपर आ गया यानी कि VA। अब VA आपस में क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कैंसिल, कैंसिल होने की वजह से देखो E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 किसके इक्वल आ गया, प्लस का I1 R1 और माइनस का अगर इधर लिखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज दूसरी साइड ले जाओ तो क्या जाएगा ये I2 R4। तो इस तरीके से हम ये हमारे इस मतलब कि कहने का मतलब क्या है, KVL के अंदर हमारे पास इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन के अकॉर्डिंग मान लो चार वेरिएबल है, चार में से हमें तीन गिवन हो जाएंगे, एक वेरिएबल हम आराम से निकाल लेंगे, या फिर हो सकता है इस वाले केस के अंदर तो मैंने ABCD से लगाया, अब जो दूसरी लूप है मेरा FADA यानी कि इसके अंदर में मैं कुछ ना कुछ लूप लगा लेता जिसकी वजह से मेरे को करंट के बारे में पता लग जाता I1 I2 I3, क्योंकि मेरे पास देखो ये वाला पता लग जाता, ये वाला तो मेरे को पता लग गया, यानी कि एक जो पहला लूप है पहले लूप के अंदर कितने वेरिएबल आए, एक तो I1 वेरिएबल आया, एक I2 वेरिएबल आया,
ठीक है, क्योंकि E1 E2 की वैल्यू हमें गिवन होगी। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा लूप लेता तो दूसरे लूप के अंदर करंट कौन कौन सा मेरे को पता लगता, एक I3 और I1। जब I3 और I1, यानी कि दूसरे लूप के अंदर मैं इधर लिख रहा हूँ, दूसरे लूप के अंदर मेरे को क्या क्या वेरिएबल मिलता, I3 वेरिएबल मिलता और I1 वेरिएबल मिलता। ठीक है, अब देखो I1 इसमें भी है, I1 इसमें भी है, दोनों को कैंसिल कर देते तो मेरे को दो इक्वेशन से कौन सी पता लग जाती, I3 पता लग जाती। जब मेरे को I3 पता लग जाता तो मैं I1 यहाँ से निकाल लेता दूसरी इक्वेशन से, और I1 जब पता लग जाता तो I2 मैं इससे निकाल लेता। तो इस तरीके से मेरे को हर एक ब्रांचेज में करंट पता लग जाता। ये तो मैंने पढ़ाया आपको थ्योरेटिकल, अब थ्योरेटिकल मैंने पढ़ा दिया तो अब मेरी जिम्मेदारी ये भी है कि मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊँ। तो क्वेश्चन देखो हम कि किस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है एकदम नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद तीन या चार क्वेश्चन कराऊंगा एडवांस में चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन किस तरीके से देखो, ये इस तरीके से है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 ओम रेजिस्टेंस, ये 2 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम है ये। ठीक है, ये ए बी सी डी। अब सबसे पहले तो इसके अंदर करंट फाइंड आउट करो कि इस लूप के अंदर कितना करंट फाइंड आउट फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम जनरल मेथड यूज़ करते हैं। जनरल मेथड क्या यूज़ करेंगे, 2 और 3 हमें किस में दिख रहे हैं, सीरीज़ में दिख रहे हैं। तो सीरीज़ की वजह से जो मेरा रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, इक्विवेलेंट 5 ओम आ जाएगा, और वी मेरा कितना है 10 वोल्ट है। तो मेरे पास जो करंट आएगा वो कितना आएगा थ्रू आउट द सर्किट, कितना आएगा 10/5 यानी कि 2 एम्पियर। ये तो हो गया जनरल। लेकिन इसके अंदर अगर हम लूप ना लगाते हैं यानी कि KVL लगाते हैं, तो KVL के अंदर मैंने क्या माना, मैंने किस तरीके से चला, डायरेक्शन मेरी चली ए बी, यानी कि इस तरीके से मैंने चली है। ठीक है, ये थोड़ा मैं ठीक से बना देता हूँ, डायरेक्शन जो मेरी मतलब क्लॉकवाइज हमने डायरेक्शन चली है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से दूसरे पेन से मैं शो कर देता हूँ, इस तरीके से, यानी कि करंट इस तरीके से निकल रहा है, आई आई आई, इस तरीके से करंट निकला, यानी कि ए बी सी डी ए क्लॉकवाइज हमने चला है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट सेशन है, ये जरूर देखना, क्योंकि क्वेश्चन इस पे से बनते हैं, KVL में से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जरूर बनेगा, IIT के अंदर भी क्वेश्चन बनेगा, अगर 12th वाले देख रहे हैं तो इसको, और 10th वाले देख रहे हैं तो NTSC के अंदर जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर देखो हम किस तरीके से फ्लो कर रहे हैं, ए बी सी डी ए फ्लो कर रहे हैं। तो 10 है, अगर मान लो देखो ये जो करंट है, ये करंट जब इधर की साइड आ रहा है डी से ए, तो ये है ये पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो करंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो कर रहा है। तो ये जो बैटरी है, ये बैटरी का जो वोल्टेज है ये कितना, पोटेंशियल 10 है, तो 10 का क्या जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो ए से बी जा रहे हैं, तो ए से बी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, छोड़ दो, बी से सी रेजिस्टेंस है कितना 2 ओम। तो ये किधर की किधर फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और हमें जाना भी किधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि माइनस का टू आई। इसी तरीके से सी से डी, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि -3i। अभी देखो हो रहा क्या है ना, कि बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, शायद पॉजिटिव से नेगेटिव क्या लिया, नेगेटिव से पॉजिटिव मैंने क्यों लिया। तो ये चीज़ आपको इसलिए समझ में नहीं आ रही क्योंकि आप पहले का सेशन नहीं देख के आए हो, तो इसलिए बार बार मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि पहले का सेशन आप देख के आओ। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से कितना बन गया, ये 5 5 बन गया, और ये हो जाएगा 10i। ठीक है, तो आई की मेरे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, आई का जो वैल्यू आएगी मेरे पास 2 एम्पेयर आएगा। तो देखो अब इसके अंदर अगर मैं सिंपल मेथड से करता हूँ तो भी मेरा करंट 2 एम्पेयर आया, अगर मैं KVL लगा के फाइंड आउट करता हूँ वैल्यू तो भी मेरा क्या आया, आंसर 2 एम्पेयर आया, यानी कि मेरी वैल्यू दोनों क्या आ गई, सेम आ गई। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है, दो बैटरी है, रेजिस्टेंस है मेरे 4। ठीक है, इस तरीके से देखो टाइम, बात ये होती है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन के अंदर क्या होता है ना, क्वेश्चन जो करने होते हैं वो बच्चों को करने होते हैं, चाहे टीचर ऑनलाइन पढ़ाओ चाहे टीचर ऑफलाइन पढ़ाओ। तो सबसे जो मेन जो काम करना होता है वो किसको करना होता है, बच्चों को करना होता है। अब मैंने मान लो आपको 3 4 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, तो 3 4 क्वेश्चन ऐसे थोड़ी कि 3 4 क्वेश्चन में आप सारे के सारे टेस्ट क्वालिफाई कर दोगे या फिर आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें होती है, काम करना, प्रैक्टिस करना, उसको बार बार मैं रिपीट करके पढ़ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो अभी हमारे पास सारा डाटा गिवन है, तो मेरे को इसके अंदर लूप लो लगाना है। तो लूप लो मैं किस तरीके से लगाऊंगा, देखो ये मैंने कंसिडर कर लिया पॉइंट ए बी सी डी, कुछ भी मान लो, PQRS कुछ भी मान लो। ठीक है, ये ए है, ये बी है, सी डी। अब इसके अंदर देखो ये बैटरी 4 वोल्ट की है, ये बैटरी 10 वोल्ट की है, तो कौन सी बैटरी ज़्यादा ताकतवर है, 10 वोल्ट की, तो 10 वोल्ट की वजह से मैं कंसिडर करूँगा करंट। तो करंट मेरा इस तरीके से फ्लो कर रहा है आई। ठीक है,
ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये जो व्हाइट वाला मार्कर मैंने लिखा है, व्हाइट वाली एरो, ये क्या है, करंट की डायरेक्शन शो कर रही है। तो करंट की डायरेक्शन अगर ये शो कर रही है, करंट की डायरेक्शन तो किस तरीके से है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन मैंने क्या मान लिया, मैंने जो लूप माना वो किस तरीके से कंसिडर कर लिया, इस तरीके से क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन मैंने क्या मान लिया, केवीएल मेरे को लूप किस तरीके से लेना है, एंटी क्लॉकवाइज लेना है, और जो करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि मेरे को लूप कौन सा कंसिडर कर लिया मैंने, ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए। अब देखो 10 वोल्ट से स्टार्ट हो, ऊपर की साइड जा रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर की साइड जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन के जा रहे हैं, तो क्या होगा 10। अभी करंट इधर से इधर जा रहा है, यानी कि सी से बी जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो माइनस का 10, माइनस का आई, और रेजिस्टेंस कितना है 1, ठीक है 1 ही है ना, ठीक है। इसी तरीके से अब मैंने माना, कंसिडर किया ये बी से ए, बी से ए जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो करंट की वजह से 2 ओम रेजिस्टेंस के अंदर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, माइनस का 2i, ठीक है। इसी तरीके से अब ये 4 वोल्ट है पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि माइनस का 4। इसी तरीके से ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है करंट 1 ओम के अंदर ए से डी, तो माइनस का आई। ठीक चला है, गलत चला है, हमने पहले तो ये बताओ, शायद ठीक चला है या गलत चला है। मैंने करंट के डायरेक्शन के अंदर ले ली, हमें किसके अंदर लेना था, देखो हमने थोड़ी सी गलती कर दी जल्दी जल्दी के चक्कर के अंदर। मेरा जो लूप मैंने लिया था वो किस तरीके से लूप लिया था, पहले तो ये बताओ। मैंने जो लूप लिया था वो ए बी सी डी ए लिया था, ए बी सी डी ए, यानी कि ए बी सी डी ए, यानी कि इस तरीके से लिया था, ठीक है। जब मैंने इस तरीके से लूप लिया था तो मेरा जो कर्तव्य है वो क्या है, मेरे को इसी डायरेक्शन के अंदर स्टार्ट करना है, यानी कि 10 से मेरे को इसी तरीके से स्टार्ट करना था। तो इस तरीके से मैं स्टार्ट करूँ, तो 10 से स्टार्ट करो, तो 10 नेगेटिव का 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो करंट है डी से ए करंट है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, यानी कि प्लस का आई, आई इंटू मैं 1 लिखूंगा तो आई आएगा। इसी तरीके से ए से जब बी जाएंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 4 आ जाएगा। इसी तरीके से करंट की वजह से 2 एम्पेयर क्या जाएगा, ये प्लस का 2i आ जाएगा। इसी तरीके से बी से सी, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे, भाई करंट फ्लो कर रहा है सी से बी, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन मेरे को जाना किधर से है, बी से सी, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 ओम के अंदर क्या आ जाएगा, प्लस का आई, ठीक है। और सी से डी, यानी कि करंट मेरा फ्लो कर रहा है डी से सी, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन मेरे को किधर जाना है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा तो इधर क्या जाएगा, प्लस का 2i इज इक्वल टू 0। अब देखो फाइंड आउट करो क्या क्या वैल्यू आई है, माइनस 10 प्लस 4, अब टोटल आई कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि प्लस का 6i। ये कितना हो गया, माइनस का 6 प्लस का 6i। यहाँ से जो मेरे पास देखो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आई की जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, आई की वैल्यू आ रही है देखो 1 एम्पेयर, यानी कि मेरे को क्या पता लग गया, थ्रू आउट द सर्किट मेरा कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। अब इसके अंदर देखो थोड़ा क्या है ना, माइंड को इसके अंदर कंसंट्रेट करना होगा। अगर आपका माइंड थोड़ा बहुत इधर उधर अगर हिल गया तो आपके साथ में लूप और आप करंट की डायरेक्शन के अंदर ही कन्फ्यूज हो जाओगे कि हमने लूप किस डायरेक्शन में लिया है और करंट मेरा किस तरीके से फ्लो कर रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा मेरे से थोड़ी गलती हो गई थी, तो मैंने क्या किया था, मैंने लूप तो ले लिया क्लॉकवाइज, ठीक है, और ठीक है लूप मेरा क्या है क्लॉकवाइज है, और करंट मेरा क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मेरे को लूप की डायरेक्शन में घूमना होता है, ना कि करंट की डायरेक्शन के अंदर। तो हमने क्या कर दिया था पीछे, गलती मैंने गलती ये कर दी थी कि मैं करंट की डायरेक्शन के अंदर ही घूमने लग गया था, जिसकी वजह से आंसर तो मेरा ठीक आता लेकिन मेथड गलत हो गया था, ठीक है। तो इस वजह से हमें इसके अंदर पूरा कंसंट्रेट रखना है, दिमाग इसके अंदर ही होना चाहिए कि हम लूप किस तरीके से कंसिडर कर रहे हैं, करंट किस तरीके से मेरा फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अब एक क्वेश्चन और देखो, अच्छा क्वेश्चन है उसके अंदर देखो, ठीक है। ये मान लो मेरे पास इस तरीके से कनेक्शन है, तो ये देखो ये डायग्राम मैंने बना दिया है, इसको पॉज करो वीडियो को और खुद ट्राई करो। इसके अंदर देखो दो लूप बन रहे हैं, पहला लूप तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा लूप ये हो गया। अब इसके अंदर आप लोगों को डिपेंड करता है कि पहले लूप के अंदर क्लॉकवाइज चलते हो एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, इसी तरीके से दूसरे लूप के अंदर भी आपके ऊपर डिपेंड करता है क्लॉकवाइज चलते हो एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, ठीक है, ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको सिंपली बता देता हूँ हम किस तरीके से चल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, इट डजंट मैटर। लेकिन हमारी
सेफ्टी के लिए और हमारे कम से कम क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करने के लिए, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स गिवन होगा एग्जाम के अंदर, हम उसको और कॉम्प्लेक्स कर देंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या करते हैं रियल के अंदर, हम दोनों लूप के अंदर सेम कंसिडर करते हैं, आइदर क्लॉकवाइज और आइदर एंटी क्लॉकवाइज। मैं बार बार में ये बोल रहा हूँ, आप लोग क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, ये इसके ऊपर आंसर हमारा गलत नहीं होगा, लेकिन टाइम कंज्यूम हो जाएगा अगर बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है। तो इसलिए हम करते हैं दोनों लूप के अंदर, क्या तो एक बार क्लॉकवाइज चल लेते हैं या फिर दोनों लूप के अंदर एक बार एंटी क्लॉकवाइज चल लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों लूप के अंदर मैं दोनों लूप के अंदर क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, यानी कि पहले लूप के अंदर भी और दूसरे लूप के अंदर रहा हूँ क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। क्वेश्चन को पॉज करो और क्वेश्चन खुद सोल्व करो, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ, मैंने क्या किया एंटी क्लॉकवाइज चला इस तरीके से दोनों लूप के अंदर। जब दोनों लूप के अंदर मैं क्लॉकवाइज चलूंगा, यानी कि पहले लूप के अंदर मैं किस तरीके से चला, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, जब मैं अब ये देखो, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये भी 20 वोल्ट की बैटरी है, और ये बीच में कितने वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है। तो जो दोनों जो बैटरी है 20-20 वोल्ट की, ये एक तरीके से ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करेगी, और ये किसको देगी, 10 वोल्ट की बैटरी को देगी, यानी कि सेकेंड लूप में से करंट आ रहा है, ये सेकेंड है ये लूप और ये फर्स्ट लूप है। तो सेकेंड लूप में से जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, I2 आ रहा है, और इसमें से जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, I1 आ रहा है। और इसके अंदर कितना एंट्री कर रहा है, इसके अंदर टोटल करंट एंट्री कर रहा है I, और ये I किसके इक्वल है, ये I इक्वल है I1 प्लस I2 के इक्वल है, I1 प्लस I2 के इक्वल है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन सोल्व करें, अभी देखो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन किस तरीके सोल्व करेंगे। मैंने पहले कंसिडर कर लिया A, B, C, F, A, ये कंसिडर कर लिया मैंने, ठीक है, यानी कि पहले मैंने कंसिडर किया A, B, C, F, A। जब मैं A, B, C, F, A चलूंगा, यानी कि करंट मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट मेरा इस तरीके से फ्लो कर रहा है ना, करंट कितना इसके अंदर I1 है, और इसके अंदर जो करंट है ये I है, और इसके अंदर करंट मेरा I2 है। करंट की डायरेक्शन ठीक तरीके से लिख लेना, बस यहाँ पे आपकी गलती हो सकती है। अब देखो आराम आराम से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, भले ही हमारा थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाओ, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गलती हो जाएगी, मैं तो टीचर हूँ कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों के दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अगर गलती हो भी जाती है तो हम उसको इरेज करके स्टेप वाइज स्टेप दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि गलती से सीखने को मिलेगा। A, B, C, F, A चलते हैं, तो A से B चल रहे हैं, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब देखो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, करंट और लूप मेरे दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो करंट की डायरेक्शन आप कंसिडर कर सकते हो, या फिर लूप की डायरेक्शन आप कंसिडर कर सकते हो। तो 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि पहले पॉजिटिव आ जाएगा 20 का पॉजिटिव। इसी तरीके से B से C जाना है, तो B से C जाना है, यानी कि ये है रियल के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव, तो करंट भी मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, यानी कि माइनस का 10, करंट कितना फ्लो कर रहा है B से C, I1, यानी कि 10 I1। अब मेरे को किधर से किधर जाना है, सी से एफ जाना है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव, तो करंट भी पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है, यानी कि माइनस का 10। अब सी से एफ के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि माइनस का 10 आई, ठीक है, माइनस का 10 आई करंट फ्लो कर रहा है। अब ये बैटरी कितनी है, 10 वोल्ट, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि माइनस का 10, वापस एफ के ऊपर आ गए, यानी कि 0। अब आई की वैल्यू को आप कंसिडर कर सकते हो, आई की वैल्यू कितनी है, आई वन प्लस आई टू, तो इसको जब सोल्व करते हैं तो ये 20 और ये 10 कितना हो गया, 10 हो गया, माइनस का 10 आई, माइनस 10, और आई की जगह पे क्या लिखेंगे, आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करो, 10 आई माइनस 10, ये आई वन है, ठीक है, ये देखो 10 आई वन, ये 10 आई वन, ये 20 आई वन हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 10 आई टू हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर से 10 से डिवाइड कर दो सभी को, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आई वन हो जाएगा, और ये आई टू हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, इस 1 को जब उधर की साइड ले जाएंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन रही है 2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू में 1, ये मेरी बन रही है फर्स्ट इक्वेशन। आप देख सकते हो, देखो इसके अंदर नेगेटिव कॉमन ले लिया, नेगेटिव कॉमन लेने के बाद 1 को मैंने इधर की साइड पहुँचा दिया, ठीक है, तो 2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी देखो 10th और प्लस 2 के अंदर, तो आपको साइन पता होना चाहिए किस तरीके से मैंने लगाया। अब दूसरा केस हम पढ़ते हैं, दूसरे केस के अंदर भी हमने किस तरीके से चला, देखो दूसरे केस के अंदर हम चल रहे हैं FCDEF, ठीक है, दूसरे केस के अंदर क्या है, FCDEF, ठीक है। अभी देखो दूसरे वाले केस के अंदर F से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इस वाले केस के अंदर देखो, मेरा जो करंट और जो मेरा लूप है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है,
लेकिन हमें कंसीडर किसको करना है, किसकी डायरेक्शन के अंदर हमें फ्लो करना है, हमें फ्लो करना है लूप की डायरेक्शन के अंदर, ना कि करंट की डायरेक्शन के अंदर। ये पॉइंट आप लोग ध्यान देना, इसी के अंदर ही आपकी गलती होगी। तो हमें स्टार्ट कौन से पॉइंट से करना है, एफ पॉइंट से स्टार्ट करना है, ठीक है। जब मैंने एफ पॉइंट से स्टार्ट किया तो मेरे को करंट के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाना है। तो जब करंट के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाऊंगा तो एफ से स्टार्ट करूंगा तो 10 वोल्ट की बैटरी क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, यानी कि एफ से सी जा रहे हैं। तो एफ से सी जा रहे हैं तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि 10 वोल्ट प्लस का 10 वोल्ट, ठीक है, यानी कि 10। उसके बाद देखो करंट जो मेरा है वो करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, करंट मेरा सी से एफ आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन मेरे को जाना है एफ से सी, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव। तो प्लस का 10 आई, प्लस का 10 आई। इसी तरीके से अब हम आगे चलेंगे, वो भी क्या हो जाएगा, प्लस का, यानी कि सी से डी जाएंगे तो प्लस का 10 आई टू, प्लस का 10 आई टू। इसी तरीके से डी से ई जाएंगे, डी से ई जाएंगे तो ये 20 वोल्ट नेगेटिव है, ठीक है, यानी कि ऊपर से पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो माइनस का 20 वोल्ट, माइनस 20, ठीक है। उसके बाद हम कौन से पॉइंट के ऊपर आ गए, हम पॉइंट के ऊपर आ गए ई के ऊपर। ई से एफ जाएंगे तो कोई बैटरी नहीं है और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो सीधा इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सोल्व करो, देखो आई की जगह पे हमें क्या लेना है, आई वन प्लस आई टू। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 10 आई वन, इसमें आई वन प्लस आई टू कंसिडर वो इक्वल करेंगे तो 10 आई वन प्लस 10 आई टू प्लस 10 आई टू जो हमारा था, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10 इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, देखो 10 आई वन, ठीक है, प्लस 20 आई टू, क्लियर। ये माइनस का 10 उधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस के 10 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन देखो, पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। जब इसको सोल्व करेंगे, इसको देखो अब हम क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 10 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आई वन प्लस 2 आई टू इज इक्वल टू 1। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को अगर हम सोल्व करते हैं, सोल्व करके दिखा देता हूँ, अगला जो क्वेश्चन होगा वो आप लोगों को कंसीडर करना होगा। आप लोगों के लिए मैं होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ वो क्वेश्चन, उसके बाद वो क्वेश्चन आप जिनसे हो जाए उसके लिए अच्छी बात है, जिनसे ना हो उसको मैं अगले सेशन के अंदर कराऊंगा। तो इसका ये क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा देता हूँ कंप्लीट, ठीक है। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या क्या आई थी, 2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू में 1, ये इक्वेशन फर्स्ट आई थी, और इक्वेशन सेकंड मेरे पास आई थी i1 प्लस 2 i2 इज इक्वल टू में 1, ये इक्वेशन मेरे पास सेकंड आई थी। तो i1 एक तरीके से कैंसिल कर देते हैं, तो कैंसिल करेंगे तो इक्वेशन नंबर सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कर दिया इक्वेशन फर्स्ट को। ये तो इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती होगी ना, तो मैं इसको लिख रहा हूँ डायरेक्ट, टू माइनस वन। अभी देखो ये 2i1 कैंसिल हो गया, ये कितना है 4i2, ये 3i2, तो कितना बच गया 3i2 इज इक्वल टू 1, यानी कि i2 की वैल्यू कितनी आई, i2 की वैल्यू आई मेरी 1/3, i2 की वैल्यू मेरे पास 1/3 आ गई, i2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1/3, i2 की वैल्यू अगर मेरे पास 1/3 आ गई तो i1 निकाल सकते हैं इसमें से। जब इक्वेशन फर्स्ट के अंदर i2 की वैल्यू पुट करते हैं, i2 की वैल्यू जैसे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे तो i1 की वैल्यू क्या आएगी, देखो i1 इज इक्वल टू 1-1/3, यानी कि 2/3, तो i1 की वैल्यू भी क्या आएगी 1/3 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से देखो क्या आ रहा है, 2i1 इज इक्वल टू 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो i1 की वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो देखो i1 और i2 तो हमें पता लग गया, ठीक है, यानी कि i1 की वैल्यू 1/3 एम्पेयर आ गई और i2 की वैल्यू कितनी है 1/3 एम्पेयर आ गई। अब पूछे टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो टोटल करंट हमने क्या माना था, i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, है ना, i1 प्लस i2, तो 1/3 प्लस 1/3, तो टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, 2/3 एम्पेयर फ्लो कर रहा है। तो आसान से क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। मेन इसके अंदर किसको किसके ऊपर फोकस करना है, मेन इसके अंदर फोकस करना है कि हमारा जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या चीज़ है, और हमने लूप कौन सा कंसिडर किया है। रियल के अंदर हमें किस डायरेक्शन में फ्लो करना है, हमें डायरेक्शन में फ्लो करना है लूप के में, ना कि करंट के में, ठीक है। अगर बाय चांस अगर हमारा लूप और डायरेक्शन ऑफ करंट सेम आ जाता है तो हमारे लिए आसान हो जाएगा एकदम। अगर हमारी डायरेक्शन दोनों की अपोजिट आ जाती है तो हमें थोड़ा सा फोकस्ड रहना है क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि हमें किस डायरेक्शन में फ्लो करना है, हमेशा फ्लो करना है लूप की डायरेक्शन के अंदर, ना कि करंट की डायरेक्शन के अंदर। करंट की डायरेक्शन के अंदर हम तभी मूव करेंगे जब बाय चांस लूप की और करंट की डायरेक्शन हमारी सेम आ जाती है।
तो हमारे पास जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में देखो ना, समझने के लिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर पहले लूप के अंदर लूप के डायरेक्शन भी सेम थी और करंट की डायरेक्शन भी सेम थी, लेकिन दूसरे के अंदर जो करंट तो मेरा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है लेकिन जो लूप है मेरा क्या है, क्लॉकवाइज है। तो इसके ऊपर ध्यान देना जब करंट और लूप की डायरेक्शन अलग अलग हो जाए। करंट और लूप की डायरेक्शन अगर सेम सेम है तो हमारे लिए आसानी पड़ जाता है। तो इस तरीके से हम अलग अलग ब्रांचेस के अंदर अलग अलग हम करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने करवा दिए। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, वो आपको खुद करना है। ये है IIT के अंदर आया हुआ है, ये JEE के अंदर आया हुआ है, JEE मेन के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है 2015 के अंदर। ये क्वेश्चन क्या है देखो, इस तरीके से ऑप्शन भी है इसके अंदर, ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ। ये बैटरी है मेरे पास, तो देखो भाई ये मैंने बना दिया है, सर्किट बना दिया है। इसके अंदर पॉइंट लिख दिए हैं, हर एक टर्मिनल के पॉइंट लिख दिए हैं, ABCDEF। ठीक है, और ऑप्शन मैंने दे दिए हैं। ए ऑप्शन है 1.13 एम्पेयर, सी से लेके एफ के अंदर करंट। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन सुनो पहले, थे इसके अंदर क्या निकालना है, करंट निकालना है 1 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट फ्लो करना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, करंट जो मेरा 1.13 एम्पेयर फ्लो कर रहा है सी से एफ की तरफ, डायरेक्शन करंट क्या दे रखी है, सी से एफ फ्लो कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है 1.13 एम्पेयर एफ से सी फ्लो कर रहा है। तीसरा ऑप्शन है 0.13 एम्पेयर सी से एफ। चौथा ऑप्शन है 0.13 एम्पेयर एफ से सी डायरेक्शन के अंदर। अभी देखो सी से एफ और एफ से सी का मतलब क्या हुआ, अगर आपका करंट पॉजिटिव आता है तो कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि जिस डायरेक्शन के अंदर आप कंसिडर करोगे करंट को, जैसे कि मान लो आपने सी से एफ की तरफ डायरेक्शन करंट फ्लो मान लिया, यानी कि 1 एम्पेयर में अगर आप कंसिडर करते हो कि करंट आपका इस डायरेक्शन के अंदर आ रहा है। ठीक है, यानी कि इसको मैं देखो दूसरे पेन से शो कर रहा हूँ। अगर आपने कंसिडर किया है कि आपका जो करंट है वो इस डायरेक्शन के अंदर आ रहा है, क्योंकि कुछ भी आप कंसिडर करके चलोगे, I1, I2, I3 कुछ भी कंसिडर करके चलोगे, तो आपने सी से एफ वाले के अंदर लूप के अंदर आपने कंसिडर कर लिया कि आपका करंट सी से एफ आ रहा है, और आपका जो आंसर है यानी कि इस लूप के अंदर जो भी करंट आपका फ्लो करेगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, तो आपका आंसर क्या आएगा, सी से लेके एफ। अगर इस करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो आपका आंसर क्या आएगा, एफ से लेके सी आएगा। ये तो मैंने आपको दे दिया अब हिंट। ठीक है, यानी कि आपकी 50% क्वेश्चन तो मैंने सोल्व कर दिया, अब 50% क्वेश्चन सोल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अंदर कैलकुलेशन है, दिमाग के अंदर बस ये रखना कि आपके वो लूप के डायरेक्शन के अंदर चलना है, ना कि करंट के डायरेक्शन के अंदर। करंट के डायरेक्शन के अंदर तब चलो, मतलब कि करंट की डायरेक्शन तो भूल ही जाओ, करंट के डायरेक्शन के अंदर नहीं चलना आपको, आपको लूप की डायरेक्शन के अंदर चलना है। तो ये वाला क्वेश्चन करना आपकी जिम्मेदारी है, अगर जिससे सोल्व हो जाए अच्छी बात है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन मैं खुद सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से ट्राई करना, सोल्व करना। कंटेंट अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है उस बच्चे की जिम्मेदारी ये है कि इन वीडियो को, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, हालांकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना इसके अंदर मेरा कोई प्रॉफिट ना इसके अंदर मेरा कोई लॉस, लेकिन ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिल पाए, आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन हो पाए, प्लस में जो भी बच्चा कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसकी प्रिपरेशन हो पाए। ठीक है, तो इन वीडियोस को आपसे एक तरीके से रिक्वेस्ट समझ लो, टीचर अगर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है तो ये समझ लो कि इन वीडियो को आपको 10th और प्लस टू वालों तक जरूर पहुंचानी है ताकि वो बच्चे वीडियो देख सके। ठीक है, वो ट्यूशन वगैरह अगर नहीं ले पा रहे, अगर उनके पास इतना एनफ मनी नहीं है कि वो ट्यूशन ले पाए, तो वो कम से कम मेरी वीडियो देख के यूट्यूब के ऊपर फ्री कंटेंट का फ़ायदा उठा के अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सके लॉकडाउन के अंदर। तो इतना ही मेरे को बोलना था, ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व करना, कल मैं वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बने रहिएगा मेरे चैनल रीजनिंग एंड फिजिक्स बाय कोणार्क सिंगल के साथ। अभी फिजिक्स चल रही है, टाइम नहीं लग पा रहा कि मैं रीजनिंग के ऊपर बनाऊँ वीडियो, रीजनिंग का भी मैं जल्दी से कंटेंट लेके आऊँगा आपके सामने। थैंक यू वेरी मच।